हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये छठ का नेक्स्ट व्लॉग है या सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। तो अभी हम यहाँ रात में 2 बजे उठे हैं प्रसाद बनाने के लिए। एक्चुअली बनाएंगे तो आंटी हम, बस उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराएंगे। और हम यहाँ 2 बजे उठ के अच्छे से नहाया धोया, हमने गर्म पानी से नहाया था और यहाँ पे हमने अपने ऐसे काम डिवाइड कर लिए थे। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर प्रसाद होता है ना, ठेकुआ और खजूर, वो बनाने की तैयारी हो रही है। तो आटा गूंदने वाला काम मैंने किया था, उसको गढ़ने वाला काम मतलब जो शेप देना था वो रश्मि ने किया था, और आंटी सबसे टफ काम कर रही थी, आग के पास बैठ के तल रही थी। क्योंकि जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो खरना वाला प्रसाद था जो हम लोग आंटी जी ने खाया था, फिर हमने खाया था, उसके बाद से 36 आवर्स का आंटी जी का निर्जल उपवास हो गया था। और आग के पास बैठ के इसको इतनी देर तक छानना मतलब फ्राई करना से बहुत ज़्यादा होट सूखते हैं, लेकिन आंटी जी ने किया। हमने बहुत सारा प्रसाद बनाया, बहुत सारा इसलिए क्योंकि सूप पर भी चढ़ता है, फिर बाद में प्रसाद सबको बचता भी है। और छठ का प्रसाद तो लेने के लिए सभी बेचैन रहते हैं, पूरे साल तक इंतज़ार करते हैं। और यहाँ देखिए आंटी पूरी शिद्दत के साथ एकदम प्यारे प्यारे ठेकुआ चल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा प्रसाद बन के रेडी हो गया है। ऐसे करके हम रात के 2 बजे उठे थे और हम मॉर्निंग तक ठेकुआ बना रहे थे, मतलब 7-7:30 बजे तक। फिर हमने यहाँ दौरा सजाने की तैयारी की, उसके लिए फ्रूट्स आए बहुत सारे अलग अलग तरह के, कुछ सब्जियाँ भी थी, उसको हमने पानी में गंगा जल मिला के अच्छे से वॉश किया, जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने अच्छी तरह से अरेंज कर दिया। तो ये अभी आधे फ्रूट्स हैं, बाकी के आधे आगे वॉश करेंगे। फिर आंटी जी ने हमें एक टास्क दिया था, यहाँ पर हमसे छोटी सी गड़बड़ हो गई। उन्होंने हमें पक्का रंग दिया धोती रंगने के लिए, जिसमें दौरा बंधेगा, हमने उसे रंग दिया, खुद के हाथ भी रंग लिए और रश्मि ने भी अपने हाथ रंग लिए। और जब हम जहाँ खड़े थे ना, हमने वहीं से पानी फेंक के आंटी जी के घर का पूरा फर्श रंग दिया, कुछ हो ना हो। इस बार हमारे जाने के बाद आंटी जी की जो सफाई में मेहनत लगेगी, हम बहुत परेशान हैं उनके लिए। और फिर यहाँ पर बाकी के जो फ्रूट्स थे वो भी आ गए और हमने उसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्रूट्स एकदम अच्छे से वॉश हो गए हैं। यहाँ आंटी जी पूजा कर रही हैं जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी। कुछ जो नारियल थे और जो बड़े वाले फल थे उन पर उन्होंने साथिया बनाया और सिंदूर वगैरह से अच्छी तरह से पूजा की। फिर इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि हम वैसे रुके तो थे अपनी फ्रेंड के यहाँ 2-3 दिन के लिए, लेकिन लग रहा था अपने ही घर में। मतलब इतनी मस्ती की हमने, हमारी फ्रेंड ऐसे डरा रही थी बार बार कि देखो बहुत थक जाते हैं, छठ तो अच्छे से बीतता है हंसते खेलते, उसके बाद जो थकान होती है तुम लोग देख लेना। बट लिटरली मैं बता रही हूँ, ये थकान वर्थ इट है। अगर इससे 10 गुना ज़्यादा भी थकान होगी तो वर्थ इट है। यहाँ पे आंटी जी ने दौरा सजाया, दौरा सजाते समय हमने उनकी बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि बहुत सारा सामान रखना होता है, कुछ भी रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ दौरा सज गया है, अच्छी तरह से बंध गया है, और यहाँ पे हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग ये व्रत करते हैं। इतना टफ व्रत होने के बाद भी हर इंसान चाहता है, स्पेशली इन बिहार, कि हम व्रत रखें, पूजा करें, किसी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। और डेहरी में मुझे लगता है पूरे बिहार में जो सबसे बेस्ट छठ पूजा होती है वो डेहरी की होती है। इतनी अच्छी, इतनी लेविश डेकोरेशन थी। ये तो सिर्फ एक एरिया का मैं आपको दिखा रही हूँ, लोग दूर दूर से आते हैं छठ पूजा सेलिब्रेट करने डेहरी, क्योंकि जो सोन नदी है ना यहाँ पर जो बहती है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होने के बाद भी ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं फील होती है। फिर यहाँ पे हमने अपना घाट छेका, तो घाट छेकना बेसिकली अपना एरिया एक बाउंड्री बना के बालू से कवर करना होता है, जिसमें हम अपने आगे की तरफ सूप सजाएंगे और पीछे की तरफ हम और हमारी फैमिली बैठेंगे। तो हमने यहाँ समझदारी वाला काम किया, हम थोड़े जल्दी चलेगा, हमने सोचा जितना आगे हम सूप सजाएंगे हम होता ना उतना अच्छा व्यू पा लेंगे, खुद ही खुशी मिलती है। और हमने सजा तो लिया, लेकिन जैसे जैसे लोग पानी में जाने लगे वो पानी हमारी तरफ आने लग गया और हमारी बैठने वाली जगह तक आ गया। और फिर यहाँ पे हमने दिए जलाए और यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप थी जो बहुत ज़्यादा ऐसे वायरल हो रही थी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। इसमें डेहरी का व्यू है पूरा ऊपर की तरफ से, क्लिप किसी ने बना के डाली थी, वहीं से हमने डाउनलोड करके यहाँ ऐड की है। तो उसको और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही प्यारी क्लिप बनकर आई है जैसा कि आप देख सकते हो। और कितनी भीड़ है और कितनी क्राउड है, लेकिन स्टिल मतलब एकदम भीड़ जब आप नीचे खड़े थे तो फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन, कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, मतलब एक एक जगह इतना सोच सोच के डेकोरेट किया गया था, कुछ भी कैसे भी नहीं लगा दिया गया था, और इतना प्यारा लग रहा था। आप यहाँ होते तो आप फील कर पाते। तो कभी भी छठ हो तो प्लीज़ एक बार डेहरी ऑन सोन विज़िट करें,
फिर इसके बाद यहाँ आंटी जी ने दिए वगैरह सब ऐसे जला के अपनी पूजा पाठ कर ली और फिर हम अर्घ के समय का इंतज़ार होने का वेट करने लग गए। यहाँ अर्घ का समय हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अर्घ दे रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आंटी जी अर्घ दे रही हैं, अंकल जी अर्घ दिलवाए हैं। अर्घ कोई भी दिलवा सकता है, फैमिली मेम्बर हो चाहे ना हो, ये अच्छा पुण्य का काम होता है। यहाँ हम अर्घ दे के घर वापस आ रहे हैं सब सामान समेट के। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ मालगाड़ियों पर भी लोगों ने गार्डनिंग कर रखी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।